लाइट वाइट हमने सारी ऑफ कर दी है और माहौल एकदम तगड़ा बना दिया है। किस चीज का माहौल बनाया पता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप लोग सब कैसे हैं? और अभी बज रहे हैं दिन के 12:30। तो ब्लॉग अभी गाइस अभी से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि जाड़ों के दिन चल रहे हैं गाइस। तो बिस्तर के अंदर एकदम गर्माहट ब्रूनो के साथ मस्त तरीके से टाइम स्पेंड हो रहा है गाइस। ब्रूनो का साथ होना तो ठंड हो ही ना। मुझे अभी याद आया कि भैया 2 दिन हो गया है मतलब छुट्टी का, मैंने अपने बाइक को नहीं धोया। मैं बहुत दिन से सो रहा था बाइक को, रानी को धोना है। तो रानी के सेहत का ख्याल रखना क्योंकि रानी हमारा ख्याल रखती है। रानी ने हमको इतने ठंडे मौसम में भी हमको वहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, कटघरा से कोहरे में। मेरा फेस में कुछ चेंजेस आ रहे तो बताना गाइस, क्योंकि मैं आज च्युइंगम खा रहा हूँ। च्युइंगम से होप कहीं यहाँ ठीक हो जाए। देख सकते मैंने उसको बोला कि तुम च्युइंगम खाया करो तो आपके ना नीचे यहाँ वो आने लग गया है, क्या कहते हैं उसको, देखो डबल चिन आने लग गया है। खाया करो बेबी। तो यार वो तो आप अभी आजकल करोगे ही ना। और मेरी बेबी आजकल मैं बहुत मोटी हो गई हूं गाइस। मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये था कि आज आप लोग को विश करना था हैप्पी रिपब्लिक डे पुपिक से, परिवार से, मम्मी पापा से और ब्रूनो की तरफ से सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। ये सब जेल वेल तो मैं लेके जा रही हूँ और ब्रूनो ने देखा ये चप्पल क्या कर दिया, आधा बना दिया। सारा काम मैं करूँगी तो आप क्या करोगे? मैं ये करता हूँ, बाहर जरा इसको जरा भिगा के बाइक बाहर कर दी। इसको जबान जरूर पड़ेगी। तो यहाँ से मोटर से पानी लगाया हुआ है, करेक्ट करके मुझे लगा पाइप चेंज कर दे सर भैया ने। अब सही वाला पाइप कर दिया भैया ने। आने के दिन आ रहे हैं। दिन कहाँ घूम रहे हो? ये क्या नाम है इसका? हैप्पी रिपब्लिक डे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, पूरा सुना इसको आता है? झंडा ऊंचा रहे हमारा, उससे आगे ए तुम देशवासी नहीं हो क्या? मुझे नहीं आता, यही आता है। अच्छा वो देश गीत सुनाओ, देशभक्ति गीत सुनाओ जरा। तो स्कूल में कौन सी होती है जो कि देश के लिए गाई जाती है? अभी तो गोली वाली चल रहा। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? स्कूल में होती नहीं होती है। तो कौन सी होती है? गंगर वंगर होती है। और दूसरा और कुछ नहीं होता? तो नेशनल एंथम आता है? नेशनल एंथम हाँ। हिंदी में तो गाते हो? माँ तुझे सलाम। हाँ माँ तुझे सलाम गा के सुना। नहीं आता नहीं है, बस नाम पता है हिंदी में। हाय राम। सारे जहाँ से अच्छा आता है? तुझे आता है? तुम आता है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें आता है? कौन सा गाना आता है? अरे गंगा गंगा आता हूँ मैं, नेशनल एंथम आता हूँ। ये तो आता है ना भाई? क्या घिसाई चली हुई है? घिसाई है लूफा डाला था, वो लूफा नहीं, लूफा को नहीं कर रहे हो? ध्यान से गीला होंगे। पानी चल रहा है, गर्म पानी आ रहा है क्या? नहीं सही सही बिल्कुल सही है, ऐसे पोछा लगाने की प्रैक्टिस रोज करना ना। सही से एकदम चमका दो इसे, पोछा लगाने में तो अच्छा लगेगा फिर आपको। दोस्तों अभी ना शाम के बज रहे हैं 6:30 और मुझे ना अभी डॉक्टर ने बोला था कि एग खाने के लिए, और एक्चुअली मुझे क्या कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ले लो और फ्रूट्स वगैरह लेना और क्या बोलते हैं वेजिटेबल्स लेना और लिक्विड चीज़ें ज़्यादा खाना, पानी वगैरह ज़्यादा पीना। तो इसीलिए अभी एग ना अभी एक्चुअली इस टाइम पर हम लोग बहुत टाइम से, मैं एक हफ्ते से लेके नहीं आए थे, तो अभी एग लेने जा रहे हैं, पनीर लेने जा रहे हैं। अभी पनीर की सब्जी बनाऊंगी मैं और एग बॉईल करके खाएंगे। तो इस व्लॉग में एंड तक बने रहना, चल पड़ते हैं सामान लेने। तो गाइज अभी यहाँ पे बड़ा टेम्परेचर हो रहा है 12 डिग्री सेल्सियस और मॉर्निंग में हो रहा था 7 या 8 डिग्री सेल्सियस। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पर कितनी ठंडी हो रही है। यहाँ पे ठंडी पिछले 1.5 हफ्ते से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अंदर हस्बैंड की बाइक निकाल रहे हैं। हम लोगों ने अभी ये क्रॉस कर लिया है फाटक और यहाँ पे बहुत सारे एग की शॉप है। पैसे डालो जेब में, मेरे गिरने वाला है ये। वाह कितना अच्छा लग रहा है। सही
यार आपको तो पता नहीं कैसे आते हो ना, ठंड तो लगती होगी जब आप लोग वहाँ से आते होंगे बैंक से। देसी दो देसी अंडे हैं, लाओ पापा। हम लोग आ गए हैं, ये देखो पीछे सामान पकड़ के लेके जा रहे हैं। आजकल मुझसे सामान नहीं उठवाते हैं, पहले तो मैं लेके जाया था। वैसे कहता है लड़के पूरे चेंज हो जाते हैं, करते हैं कभी कभी खाना भी बना देते हैं। मेरे ना आज से कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मतलब कमर थोड़ी देर अगर मेरा दो घंटे तक खड़े रहती हूँ तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो अब गेट खोलते हैं, ठीक है ना? तो गेट खोलते हैं, तो देखो वेट कर रहा है। तो खोलो यार मैं गिर जाऊँगी। रुना मम्मा आ गई, दुनिया की मम्मा आ गई। आने के बाद मैंने तो पूजा कर ली है, हस्बैंड जी का शौक कुछ और ही है, अंडे खाते नहीं है, पर दिखाती हूँ आप लोगों को। जी बना रहे हैं ऑमलेट, इनको कांच के बर्तन इतना पसंद है ना। चल रहे हैं मास्टर शेफ। अब इसको क्या वैसे पलटाने की कोशिश करोगे क्या? वो पलटा नहीं पाओगे। इधर देख के बताओ, आपको अंडा खाना नहीं पसंद है बट बना रहे हो करके। जैसे कुछ लोग को दारू पीने का वो नहीं होता, शौक नहीं होता, फिर भी वो दारू पिलाते हैं। वैसे मेरा जब मैं फोकस करता हूँ चीज़ों में। अभी होटल में काम पे जाना है आपको, सैटरडे संडे बोला था ना, तो छुट्टी होती है तब जाओगे। और जाहिर हमारे साथ एक सीन और हो गया, ये आर ओ भी परसों ही सही करवाया, फिर से ख़राब हो गया। इसमें पता नहीं बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, देखो मैं ऑन करती हूँ, देखना आवाज़ ये सुन, आवाज़ सुनो। मैं भी जल्दी से वो कर लेती हूँ, अभी जल्दी से आटा गूंथ लेती हूँ और आज पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी इसको खाने के बाद, पर मैं आटा गूंथ लेती हूँ तब तक। और जो आज मैंने ये हाईनेक पहनी है ना, ये मेरी सासू मोम ने बनाए थे बिन के मेरे लिए। थैंक यू मम्मी। गरमा गरम तैयार कर दिया है, मेरा है दोनों का सेम है। गर्मा गर्म खाते हैं और अभी रूम को थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि ना आज पूरे दिन से ठंडा बहुत था, तो रजाई वजाई निकाल के अवॉइड क्या करना, वो ऐसे ही होता है रोज। नहीं मैं रोज सही कर लेती हूँ, बट ये जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन हमारे घर में ऐसे ही होता है। तो मैंने इनसे बोला कि आप थोड़ी देर चेयर में बैठ जाओ, फिर मैं इसको खाने के कैसा टेस्ट हो रहा है, मैंने कैसे बनाया खाली। आपको तो अब जो स्ट्रीट साइड पे नहीं बोलता है, अभी भी सारा काम मैं ही करता हूँ स्टार्ट ना, वो भी होटल ज्वाइन करता हूँ, फिर यहाँ लगाता हूँ ठेली। एक्स्ट्रा बिजनेस तो करना पड़ेगा ना, फैमिली बड़ी है, कोई काम छोटा नहीं होता। वैसे भी कैसा हो रहा टेस्ट? गाइस बहुत यम्मी बनाया, थैंक यू बेबी। मुंह तो बंद कर लो पहले। हम लोगों ने ना अभी डिनर कर लिया, आज मैंने डिनर में बनाई थी पनीर भुजिया हस्बैंड जी के लिए, और मैंने तो ब्रेड ऑमलेट भी खाया था। और पीछे से डिस्टरबेंस कर रहा है, लाइट वाइट्स हमने सारी ऑफ कर दी है और माहौल एकदम तगड़ा बना दिया है। किस चीज का माहौल बनाया पता है? आज हम लोग देख रहे हैं सैम बहादुर मूवी, जो कि आज 26 जनवरी है, और आज देशभक्ति की कुछ चीज तो हमें भी करनी चाहिए, क्योंकि अभी मेरा प्रेगनेंसी वाला जोन चल रहा है। तो इस बार हमने उतने अच्छे तरीके से 26 जनवरी को सेलिब्रेट नहीं किया, तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक देशभक्ति मूवी ही क्यों ना देख ली जाए, है ना बेबी? इधर देखो प्यार चल रहा है अब ये। पर अभी ब्रूनो, मैं सोच रही हूँ ब्रूनो कुछ काम का होता, कुछ काम करने वाला होता, वहाँ मेरा चश्मा रखा है, मेरा चश्मा ले आता। ब्रूनो मैं चश्मा ले आ जाऊँ, बाबू देखेगा तो ऐसा जैसे कि ले ही आएगा। चश्मा नहीं है। चलो गाइस हम लोग देखते हैं अभी मूवी सैम बहादुर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चलो बाय, गुड नाइट कर दो। गुड नाइट मुन्नी। गाइस को गुड नाइट कर दो। गुड नाइट गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, जय भगवती माँ की जय।